अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। दिस इज़ योर बायोलॉजी लेक्चर। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्वेबल मटीरियल। प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडीज़ के अंदर स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस इनसॉल्वेबल मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स। मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्सलेट एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसे डिपॉजिट किया जाता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में लीव्स और स्टेम के अंदर। इसकी एग्जाम्पल है इन टोमेटो। फिगर 11.2, कैल्शियम ऑक्सलेट नीडल्स इन अ लीफ सेल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फिगर के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट शो किया गया है लीफ सेल्स के अंदर। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जो कि अपने लीव्स के थ्रू ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इन्हें रिमूव कर देते हैं। जब ये ट्रीज जो हैं वो लीफ को फॉल करवाते हैं तो लीफ फॉल या लीफ शेडिंग के दौरान एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं जो इन लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ट्री। अदर वेस्ट मटीरियल्स डेट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। सो स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट की और कुछ एग्जांपल्स बताई हैं जैसे कि रेजिन्स हैं, गम्स हैं, लेटेक्स हैं, म्यूसिलेज हैं। इन्हें भी जो प्लांट्स हैं वो रिमूव करवा देते हैं अपनी बॉडी से। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हम किसी लीव को तोड़ते हैं या फिर किसी स्टेम को तोड़ते हैं, उसको तोड़ने के बाद अगर कोई चिपचिपी चीज़ हमें फ़ील होती है, सो बेसिकली वो जो स्टिकी मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो कि रेजिन की फॉर्म में हो सकता है, लेटेक्स की फॉर्म में हो सकता है या फिर म्यूसिलेज ड्रॉप्स की फॉर्म में हो सकता है। अगर आप फिगर 11.3 को देखें तो यहाँ पर कुछ वेस्ट दिखाए गए हैं जो कि प्लांट से रिमूव होते हैं, जैसे कि रेजिन ड्रॉप्स हैं जो कि ट्री के ऊपर शो किए गए हैं, लेटेक्स है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ट्री से, इसके साथ साथ कार्निवोरस प्लांट के ऊपर मौजूद म्यूसिलेज ड्रॉप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। तो बेसिकली लीफ फॉल के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उन्हें रिमूव करवाया जाता है। इफ़ द लीव्स आर नॉट शेड द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीव्स। अगर लीव्स शेड नहीं होंगे, पत्ते नहीं गिरेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो हार्मलेस क्रिस्टल के तौर पर ही लीव के अंदर मौजूद रहेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज टॉपिक। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।